बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं, जाकी पूंजी स्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लौलाए। अर्थात श्वास प्रतिक्षण आते जाते रहते हैं, नाम के बिना प्रतिदिन हजारों श्वास व्यर्थ चले जाते हैं। जिनकी निजी पूंजी व वास्तविक जायदाद ही यही है, फिर उन्हें तो प्रत्येक क्षण उसी में ही लीन रहना चाहिए, अथवा मालिक की भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। जीव तो माया की मदिरा का पान करके बेसुध हो रहा है, इसे अपने लाभ हानि का कुछ ज्ञान ही नहीं। किसी मनुष्य की कोई अमूल्य वस्तु अथवा कोई आभूषण खो जाए तो वह उसी की खोज में रात दिन एक कर देता है, परंतु जो लाखों करोड़ों की हानि हो रही है उसकी किंचित परवाह नहीं करता। गुरुमुखो, जो श्वास भजन भक्ति के निमित्त व्यतीत होते हैं वह मानो मनुष्य की आय है, क्योंकि मानव की यही वास्तविक पूंजी संचित हुई है। विपरीत इसके जो श्वास विषय सेवन तथा भोग विलास में व्यतीत होते हैं मानो श्वासों का अपव्यय है। अब विचार करना है, जिस व्यक्ति के दिन रात के आठों पहर में 24,000 श्वासों का अपव्यय होता रहे पर आय नाम मात्र भी ना हो, तो इतना अधिक घाटा सहन करने वाला व्यक्ति जीवित ही कैसे रह सकता है। संत जन उस व्यक्ति के प्रति खेद प्रकट करते हैं कि जिसकी आय 19 रुपये है किंतु उसका व्यय 20 रुपये है। इस अनुपात से विचार करें तो गुरुमुखो, जब एक एक श्वास अमूल्य संपदा के तुल्य हो तथा वह भजन के बिना व्यतीत हो जाए तो कितनी भारी हानि है। गुरुमुखो, धन संपत्ति की हानि को महापुरुष विशेष महत्व नहीं देते। धन का नुकसान उनकी दृष्टि में विशेष हानिकारक नहीं है, परंतु बहुमूल्य मानुष जीवन के श्वासों का जो अपव्यय हुआ, इसके लिए महापुरुषों को अति दुख एवं खेद होता है। क्या यह साधारण हानि है? गफलत में जीवन के क्षणों का जो अपव्यय होता है, यह हानि तो अनुमान से भी परे है। कोई व्यक्ति किसी अन्य को एक वस्तु अमानत के रूप में दे तथा जब वह उसे वापस मांगे तब उसे वह वस्तु ना मिले, तो गुरुमुखो, इसे अमानत का अपव्यय कहा जाता है।
और यह बहुत बड़ा नैतिक अपराध है। इसी प्रकार जो हमें अमूल्य श्वास प्राप्त हुए हैं, मालिक की दी हुई अमानत है, अतः इसे व्यर्थ गवा देना उसकी अमानत में बेईमानी अथवा अपव्यय करने का अपराध है, जो सर्वथा अक्षम्य है। इसीलिए श्वासों को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। गुरुमुखो, मनुष्य यदि समय पर अपना काम नहीं करता तो फिर कार्य बनाने का ऐसा सुअवसर पुनः कब प्राप्त होगा? जिस प्रकार टूटे हुए कांच को कारीगर दोबारा जोड़ नहीं सकता, मोती यदि टूट जाए तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। और इसी प्रकार जो फल एक बार टहनी से गिर जाता है, उसे शाखा में फिर लगा सकना असंभव है। उसी प्रकार यदि श्वास रूपी धन व्यर्थ चला जाए तो उस धन को वापस पाना भी असंभव है। गुरुमुखो, यदि समय का उचित मूल्यांकन ना किया जाए तो कैसे काम बनेगा? अतः परमात्मा द्वारा दी गई श्वास रूपी निधि को हमें प्रभु भक्ति में ही लगाना है। गुरु वचनों का अनुसरण करते हुए गुरुमुखो, हमें अपना लोक भी संवारना है और परलोक भी संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, यदि आज का प्रवचन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।